हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके मेरे चैनल PKRC। और दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम अपने ट्रांसमीटर को रिसीवर के साथ कैसे बाइंड कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस रिसीवर को हम इस ट्रांसमीटर से जोड़ेंगे। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइज, इस रिसीवर को बाइंड करने के लिए आपको चाहिए होगा एक इस तरह का जंपर केबल, जो कि बाइंडिंग केबल भी कहते हैं इसको। तो दोस्तों, इसको बाइंड करने के लिए आपको जो ये रिसीवर है, रिसीवर के मैं दिखाता हूँ आपको, इस रिसीवर के आपका जो यहाँ पे BVCC लिखा है, मतलब कि बाइंड VCC, ये देखिए यहाँ पे BVCC लिखा है, ये देखिए थोड़ा ध्यान से देखिए BVCC लिखा है, यानी कि यहाँ से आपका जो है ये जो रिसीवर ट्रांसमीटर के साइड बाइंड होगा। तो बाइंड करने के लिए क्या करना है हमें, यहाँ पे जो पहला है BVCC, वहाँ पे हमें इस तरह से ये फिट कर देना है केबल, जो जंपर केबल है उसको हम लगा देंगे इस तरह से, ये जंपर केबल लग जाएगी। उसके बाद यहाँ से हम ये इस तरह की बैटरी ले लेंगे, जो 3.7 वोल्ट की बैटरी होती है और चार्ज होने पे ये 4 वोल्ट तक चार्ज हो जाती है। उसके बाद हम इसे यहाँ पे कहीं भी लगा देंगे। तो सबसे नीचे हमारा जो माइनस है, सबसे नीचे यहाँ पे माइनस है, किसी भी हम सिग्नल पे लगा देंगे, किसी भी पे। तो लगाने के बाद दोस्तों ये इस तरह से ब्लिंक करेगी, ये लाइट इस तरह से ब्लिंक करेगी, मतलब कि ये रेडी है और हमारे बाइंडिंग के लिए रेडी है ये। तो अब हमें इसको बाइंड कैसे करना है दोस्तों, बाइंड करने के लिए हम आते हैं यहाँ पर, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, आपको यहाँ पे बाइंड की दिखाई दे रहा होगा, बाइंड की। तो बाइंड करने के लिए दोस्तों हम यहाँ पे पहले बाइंड की को प्रेस करके रखेंगे, उसके बाद ये देखिए लाइट, देखिए लाइट किस तरह से ब्लिंक हो रही है। अब हम करते हैं पावर ऑन और देखिए दोस्तों, हो गया बाइंड, हो गया। और इसकी बैटरी लो है, इसलिए इसमें अलार्म बता रहा है कि बैटरी लो है। यहाँ पे ब्लिंक करना बंद कर दिया, ये जो लाइट है ये ब्लिंक करनी बंद कर दिया। और इसमें जो है आवाज़ आ रही है, जो हमारा RX है, ये देखिए RX की बैटरी लो बता रहा है, क्योंकि ये 5 वोल्ट पूरा इसको नहीं दे रहा है, 5 वोल्ट पूरा, ये 3.7 वोल्ट तक ये चार्ज है, इसलिए इस तरह से हमारा अलार्म दे रहा है कि बैटरी आपकी लो है। इसी तरह से जब हमारे हम प्लेन या कोई भी चीज़ हम ड्रोन उड़ाते हुए, तो जब बैटरी लो होती है तो हमारा रिसीवर में अलार्म बज जाता है, तो हमें पता लग जाता है कि हमारी प्लेन या ड्रोन की बैटरी लो हो गई है। सो दोस्तों, बस अब हम क्या करेंगे, ये जो बाइंड की है, बाइंड का जो वायर है, इसको हम निकाल देंगे। तो यहाँ से अब हम इस वायर को इस तरह से निकाल देंगे और हमारा रिसीवर अब हमेशा के लिए इसके साथ कनेक्ट रहेगा। तो गाइज, कैसी लगी आपको ये वीडियो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो गाइज, आज की वीडियो में बस इतना ही। आज मैंने बता दिया आपको कि इस ट्रांसमीटर को इसके साथ बाइंड कैसे किया जाता है। तो चलिए अगली वीडियो में फिर मिलते हैं नवे टॉपिक के साथ और नवी वीडियो के साथ। बाय बाय।